आधार कार्ड एक अहम सरकारी दस्तावेज है। एक सिम कार्ड लेने से लेकर बैंक में खाता खुलवाने और राशन कार्ड बनवाने जैसे कई अन्य कामों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। मगर कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण हमारा आधार कार्ड खो जाता है। मगर आपको बता दें कि इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आधार कार्ड अगर खो भी जाता है तो उसे दोबारा आसानी से प्रिंट करवाया जा सकता है और इस काम को आप आसानी से घर बैठे भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे आपको बताते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड खो भी जाए तो आप कैसे आसानी से घर बैठे इसको दोबारा प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे ऑर्डर आधार रीप्रिंट के ऑप्शन को चूज करना होगा। इसके बाद आधार नंबर, नामांकन आईडी या फिर वर्चुअल आईडी में से कोई एक ऑप्शन चुने। स्टेप के बाद अब टर्म्स एंड कंडीशंस बॉक्स को चेक करें और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आधार प्रिंट करवाने के लिए आप रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में से एक कोई नंबर को चूज करें। अगर आपका फोन रजिस्टर्ड है तो पहले ऑप्शन को चूज करें। फिर सिंपली कैप्चा के साथ आधार नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर को दर्ज कर ले और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें। वहीं ओटीपी डालने के बाद मेक पेमेंट ऑप्शन को चूज करें। फिर पेमेंट करने के बाद रिसीट डाउनलोड कर ले और बस आपका आधार कार्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो इन स्टेप्स की मदद से आप आसानी से घर बैठे ही अपने आधार को रीप्रिंट करवा सकते हैं। भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट और लाइक करना ना भूलें। साथ साथ ऐसी और जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट india.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।